वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों जेआईबी एग्जाम का मई जून एग्जाम साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अब अक्टूबर नवंबर एग्जाम साइकिल स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर काफी बच्चों ने मई जून साइकिल में एग्जाम क्लियर कर लिया हो, ये मेरी पूरी आशा है। लेकिन अगर किसी दोस्त का किसी कारणवश मई जून में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है जेआईबी का, या कोई भी एक सिंगल पेपर या दो पेपर क्लियर नहीं हुए हैं, तो अब वो राइट समय है, एक राइट मौका है, जब आप अक्टूबर नवंबर साइकिल में थोड़ी सी और मेहनत करके इस एग्जाम को फाइनली क्लियर कर लो और अपने कैरियर को एक नया पड़ाव दो। दोस्तों जेआईबी एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ के लिए और आप लोगों की कैरियर ग्रोथ के लिए। तो यहां पर इस एग्जाम को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी ये क्लियर हो जाए उतना अच्छा रहे और आप नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचो, जो कि आपका सीआईबी एग्जाम है। तो यहां पर अक्टूबर नवंबर साइकिल जो स्टार्ट हो चुकी है उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है फॉर जेआईबी एग्जाम फॉर द अक्टूबर नवंबर साइकिल, उनकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। आप लोगों को बता दिया गया है कि भाई कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और आपको कब इसके लिए अप्लाई करना है। तो यहां पर अगर आप आईबीएफ की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रजिस्ट्रेशन है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अगस्त 2023 टू 7th अगस्त 2023 विद नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस। मतलब IBF ने क्या कर रखा है कि अगर आप पहले हफ्ते में पेपर के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपको जो नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस है वही आपको पे करनी है, आपको कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं देने। लेकिन अगर आप सेकंड वीक में अप्लाई करोगे, मतलब 8 अगस्त 2023 से लेके 14 अगस्त 2023 तक अगर अप्लाई करोगे, तो आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस प्लस ₹100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप थर्ड वीक में अप्लाई करते हो अगस्त के, मतलब 15 अगस्त 2023 से लेके अगर आप 21 अगस्त 2023 तक अप्लाई करोगे, तो आप लोगों को नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस प्लस 200 के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उससे कोशिश करिएगा कि भाई पहले हफ्ते में ही अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना सीरियस हम एग्जाम को ले रहे हैं और जितनी मेहनत हम करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उतनी ही मेहनत उतनी ही तत्परता हमें कहीं ना कहीं इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए दिखानी चाहिए, ताकि एक तो हमें सेंटर हमारा मिल जाए और दूसरी बात कि हमें एडिशनल चार्जेस ना देने पड़े। ठीक है, अब दोस्तों अप्लाई कहां पर करना है, किस तरीके से आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे, कि आपको IIBF की जो वेबसाइट है, स्टैंडर्ड जो उनकी वेबसाइट है, काफी टाइम से बहुत प्यारी उन्होंने वेबसाइट बना रखी है, आप उस पर जाएंगे और वहां पर टॉप पे ही आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के मेंबर हो ऑलरेडी, तो आपको एज अ मेंबर जो है एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप मेंबर नहीं हो, मतलब अभी आप किसी बैंक में कार्यरत नहीं हो, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं हो और फिर भी आप ये एग्जाम देना चाहते हो, जो कि बेसिकली DBF एग्जाम हो जाता है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का सर्टिफिकेशन, तो आप नॉन मेंबर की तरह अप्लाई करोगे और उसके बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो के तरह आपको पूरा बताऊंगा भाई किस तरीके से आपको पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या पूरा प्रोसीजर है, वो भी हम बात करेंगे, आपके डाउट्स भी वहां पे लेंगे। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई IIBF की वेबसाइट पे जो अप्लाई नाउ वाला सेक्शन है वहां पर जाकर मुझे पेपर के लिए अप्लाई करना है। तो सो IIBF ने जो अक्टूबर नवंबर साइकिल है उसकी एग्जाम डेट भी पहले ही अनाउंस कर दी है, मतलब आप लोगों के पास अभी से पूरी इंफॉर्मेशन है कि भाई कब कब एग्जाम होगा। और आप में से जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे थोड़ा तेज हैं, और सबसे खास बात कि जो बच्चे इस एग्जाम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं, उन्होंने डेट्स को पक्का नोट कर लिया होगा और अभी से अपनी स्ट्रेटेजी उन डेट्स के हिसाब से बना ली होगी। अगर मैं आपको एग्जाम डेट बताऊं तो यहां पर सारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को डिफरेंट सेंटर्स में जाना पड़ता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पर आप लोगों को 3 शिफ्ट में कई बार पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग शिफ्ट। तो आप लोग अगेन उसमें जाके पार्टिसिपेट करते हैं। और यहां पर जो पहला पेपर है वो मई जून साइकिल की तरह ही पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। दोस्तों इस बार काफी बच्चों को इस पेपर ने परेशान किया, क्योंकि पहली बार इस कंपोनेंट का पेपर हो रहा था, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसमें दिक्कत महसूस करी। पेपर भी टफ था, ठीक है, कोई ये नहीं कहूंगा कि पेपर इजी था, पेपर भी टफ था। IIBF ने कहीं ना कहीं आपको एक शॉक दिया इस पर्टिकुलर पेपर के थ्रू। और ये जो एग्जाम है ये अक्टूबर नवंबर साइकिल में भी आपको इजी देखने को नहीं मिलेगा, बट इस बार आपके पास एक एक्सपीरियंस है, उसको यूटिलाइज करिएगा और 8 अक्टूबर 2023 को आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 14 अक्टूबर 2023। दोस्तों इस बार भी क्या हुआ था कि पीपीबी और AFF का पेपर अल्टरनेट डेज में हुआ था, लगातार एक साथ हुआ था। तो आप में से काफी बच्चों को ध्यान रखना है पहले कि भाई इन दो एग्जाम्स के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपको इन दोनों के एग्जाम्स के बीच में कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा। पीपीबी का एग्जाम जो है वो है 14 अक्टूबर को और AFM का एग्जाम है 15 अक्टूबर को, तो देयर इज नो गैप बिटवीन दीज टू एग्जाम्स। तो आपको पहले ही अपना एक ओरिएंटेशन बना के चलना पड़ेगा कि इन दो कंपोनेंट्स को पहले ही प्रिपेयर कर लूं। लेकिन एक और खास बात कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि अगेन नया कंपोनेंट है, ज्यादा लेंथी नहीं है, इजी लगता है काफी बच्चों को, तो यहां पर आपके
पास अगेन 6 दिन का टाइम रहेगा टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो 15 के बाद 2 हफ्तों का टाइम है आपके पास, क्योंकि बीच में शायद दिवाली आ रही है। तो 29 अक्टूबर 2023 को आपका ये लास्ट पेपर है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप लोग स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहें, ठीक है, अगर मान लो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप इस कंपोनेंट को तो अभी हल्का फुल्का प्रिपेयर करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास 14 दिन है, 14 दिन बहुत होते हैं एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन आप लोगों को इन 3 पेपर्स को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और इनके लिए अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। और आपकी इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में मदद करने के लिए हमने ऑलरेडी जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी हमारे यूट्यूब चैनल पे, एडुटेप जैब कैप के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए। और वहां पर एक कंटिन्यूस साइकिल चल रही है जहां पर हम आपको एक प्रॉपर मैनर में सिलेबस का हर टॉपिक कवर करवा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। एक छोटी सी वीडियो आपका पूरा टॉपिक कवर और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ताकि आप लोगों की कंप्लीट कवरेज। तो यहाँ पर मंडे से लेके सैटरडे तक डेली हमारा लेक्चर है, मंडे को पीपीबी का होता है और अगेन थर्सडे को पीपीबी का होता है, एफएम का ट्यूसडे को है और अगेन फ्राइडे को एफएम का होता है, वेनसडे का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड सैटरडे का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पर प्रॉपर टॉपिक आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एग्जाम को आगे आगे मत टालिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, ये एग्जाम बहुत जरूरी है आपकी करियर ग्रोथ के लिए। तो जितना जल्दी इस एग्जाम को पार कर लोगे उतना बेटर आप अपने करियर को और बना सकते हो। तो मेरी सलाह आप लोगों को यही रहेगी कि बहुत मेहनत करिए, ठीक है, एक बार की मेहनत है लेकिन इसके फल बहुत प्यारे हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं मुझसे बेहतर। तो प्लीज कोशिश पूरी करिएगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का, तो यू कैन फ्रीली आस्क अस, हमारी जो कॉल नंबर है वो है 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।